काला चना मसाला को आप दाल फ्राई, बूंदी रायता और गर्मा गर्म फुलके के साथ खाने के लिए परोसें। तो दोस्तों, बिना देर किए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने काला चना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये मैंने 3 टमाटर लिए, 2 हरी मिर्च लिए और आधा इंच अदरक लिया और ये हरा धनिया लिया है और इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लूँगी दोस्तों, बिल्कुल इस अच्छा टेस्टी और बिल्कुल इजी मेथड में मैं आपको यहाँ पे काला चना बनाना बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, चने को अच्छी तरह से साफ़ पानी से धोइए और रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए। चने से दूसरे दिन पानी निकालिए और उसे उबलने के लिए नमक डालकर कुकर में रख दीजिए। अब 3 सीटी के लगभग 5 से 6 मिनट के लिए धीमी गैस पर उबालिए। गैस बंद कर दीजिए, चने उबल गए हैं। अब कुकर को ठंडा होने दीजिए। अब यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने एक और कुकर लिया, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, और इसमें 2 भर के मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप यहाँ पे शुद्ध घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर हमारा गर्म हो गया। अब यहाँ पे मैंने टमाटर के जो 3 टमाटर लिए हैं उसका पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको तब तक भूनना है जब तक कि ये ऑयल रिलीज ना कर दे। गैस इस समय हमारी फुल पे रहेगी और हमें अच्छे से इसको चलाना है। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है बिना प्याज का बना रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देगी मिर्च डाली है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है मसाले में, तो मैं कम मिर्च डालूँगी। 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूँगी। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लास्ट में करूँगी। और चना मसाला भी इसी समय आप डाल के बना सकते हैं। हमें इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसका पूरा अच्छे से ऑयल, देखिए अब ऊपर आ गया है और हमारे मसाले भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें काले चने डाल दे रही हूँ और इन्हें अब हम अच्छे से चलाएंगे। काला चना दोस्तों बहुत ही फायदेमंद होता है, ये डायबिटीज़ को संतुलित रखता है और नियंत्रित करता है। चने को उबालते समय जो पानी डाला था वो ज़्यादा हो जाने के कारण मैंने इसको अलग निकाल के रख दिया था और यही पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वह वज़न कम करने में भी ये सहायक होता है। तो वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन काला चना रेशेदार होता है, इसमें फाइबर बहुत होते हैं और इसमें फैट भी कम होता है। काले चने में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसमें मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे। तो आपने देखा दोस्तों, ये कितने विटामिन से भरपूर होते हैं और इसमें और भी विटामिन होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम के तत्व जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इनको हम डाइट में भी शामिल करके शरीर के कई रोगों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, ये काले चने इतने न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें फाइबर जो होता है 13 ग्राम के करीब होता है, पोटेशियम 172 मिलीग्राम के करीब होता है, प्रोटीन 15 ग्राम होता है और न्यूट्रिशियस जो होता है बहुत ही कैलोरीज 119 ग्राम होती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा सा शुद्ध देसी घी होममेड वाला मैंने डाला है, इससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। और ये ऑप्शनल, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये कितना ही न्यूट्रिशियस और कितना ही हेल्दी डाइट है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे चिक पीस छोले यानी कि काले चने बिल्कुल तैयार हैं। रोज सुबह आप एक मुट्ठी भीगे चने खाएंगे तो आपको बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा। काला चना मसाला को आप दाल फ्राई, बूंदी रायता और गर्मा गर्म फुलके के साथ खाने के लिए परोसें। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर जल्दी ही हम आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ। तब हैव अ नाइस डे।